पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेयर प्रत्याशी के लिए किस तरह की खूबियां आप मानती हैं? पब्लिक से बहुत अच्छा जुड़ाव होना चाहिए। किस तरह की उम्मीद है पार्टी से, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन हो सकता है। प्रत्याशी कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जीत कमल की तय है ये मुझे पता है। क्या आपने कहीं जल्दबाजी कर दी मेयर के लिए अपने दावेदारी करने की? मुझे ऐसा लगा कि मैं सक्षम हूँ मुरादाबाद की सेवा करने में, इसलिए मैं दावेदारी पेश करी। क्या वजह रही कि एक साथ आपको डाउनफॉल? हेल्थ ठीक हुई तो फिर मैंने दोबारा से अपनी पार्टी में अपने कामों को गति दी। चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन मैं लोगों के दिलों को जीतना चाहती हूँ। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर आज हम एक और प्रत्याशी के पास पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है। आपका स्वागत है जुजी हमारे कार्यक्रम में। जानना चाहूंगा कि क्योंकि पार्टी पर आपने भरोसा जताया, किस तरह की रणनीति है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अंकित पहले तो, और आपसे हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और आप मुरादाबाद की जितनी भी सभी ताज़ा खबरें हैं वो हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहते हैं, और आज आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी बात पहुंचा सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, संगठन में इस समय उपाध्यक्ष हूं, उससे पहले महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में मैं यह काम कर रही हूं। और अब देखिए, जब भी हम किसी संस्था में काम करते हैं या राजनीतिक में काम करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई इच्छाएं भी होती हैं। तो हमारी इच्छा ये रही कि भाई मुरादाबाद में अगर मुझे मौका देती है, मेरी पार्टी टिकट देती है मेयर का, तो मैं जनता के बीच जाके अपना सेवा भाव से कार्य कर सकूं। और ये तो कोई मेयर की क्वालिटी नहीं, ये तो हर एक जो नेता है, जो भी बनता है या बनना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसका पब्लिक से बहुत अच्छा जुड़ाव होना चाहिए। धरातल पे उसको आकर सबकी समस्याओं को देखना पड़ता है, और संगठन में रहने से मुझे गली गली घर घर जाके मुरादाबाद में ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन मेरी सरकार इतनी अच्छी योजनाओं के साथ काम कर रही है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है मोदी योगी जी के लिए दीवाना होते हुए, और ये उत्तर प्रदेश में आप सब देख रहे हैं जब से योगी जी आए हैं कितने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और एक महिला होने के नाते मैंने जब अपनी दावेदारी करी, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक महिलाएं बहुत अच्छा काम, घर को भी मैनेज करती हैं, अपना काम भी मैनेज करती हैं, तो इसी विश्वास से मैंने सोचा कि अगर मुझे मुरादाबाद के विकास के लिए अगर काम करने का मौका मुझे पार्टी देगी, तो इसमें मैं पूरी उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और मुरादाबाद की एक तस्वीर बदलने की कोशिश करूंगी। किस तरह की उम्मीद है पार्टी से, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे कि पहले सुन रहे थे कि सीट हमारी आरक्षित होगी, लेकिन अब जनरल सीट है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है, महिला पुरुष किसी भी वर्ग का व्यक्ति। तो यही सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पार्टी में, और पार्टी बहुत सारी चीजें देखती है, योग्यता देखेगी, व्यक्तिगत योग्यताएं, उसका काम, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन हो सकता है, संभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह भी जाती हैं। तो जब परिवर्तन होता है, नया व्यक्ति आता है, वो नई सोच लाता है, नई ऊर्जा लाता है, तो एक नई ऊर्जा से जो कुछ काम अगर मैं अपनी सेवाएं दे सकूंगी मुरादाबाद को, तो इसे मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक इतनी बड़ी पार्टी की मैं संगठन में काम करने से मेरा विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे भी मैं परिचित हूँ, और मैं कोशिश करूंगी जो हम सब मुरादाबाद के लोगों का एक सपना है कि स्मार्ट सिटी पे जो काम चल रहा है वो धरातल पर दिखाई दे। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप क्या कहेंगे उसको लेकर अगर ऐसा होता है? नहीं, मैं अपने पार्टी की ये खूबी बताना चाहूंगी कि हमारा भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, और इसमें थोड़े शिकवा शिकायतें हो सकते हैं, लेकिन जब कोई टिकट किसी प्रत्याशी का फाइनल हो जाता है, तो हम सब मिलकर जो ताकत लगाते हैं कमल को जिताने में। तो हो सकता है मेरा टिकट हो या किसी भी व्यक्ति का, भाजपा का ही होगा टिकट, और भाजपा ही जीतेगी ये मैं निश्चित हूँ। किसका प्रत्याशी कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जीत कमल की तय है ये मुझे पता है कि कमल ही विजयी होगा और हमारा मुरादाबाद का मेयर भाजपा का ही होगा। क्या लगता है कि आपने कहीं जल्दबाजी कर दी मेयर के लिए अपने दावेदारी करने की? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं शुरू में आई थी, मैं संगठन में पिछले 10 साल से सक्रिय हूँ, और पिछली बार भी मैंने आवेदन करा था,
तो उसमें भी मेरे अनुभव रहे थे, लेकिन टिकट देखिए जिसको हुआ, हमने उसके लिए जी जान से मेहनत करी और उन्हें बनाया। और आज जब हमें पार्टी ने एक मौका दिया है सभी को कि जो भी दावेदारी करना चाहता है आगे आए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सक्षम हूँ मुरादाबाद की सेवा करने में, तो इसलिए मैं दावेदारी पेश करी। अंजुलो जब एक एक साथ एक उभरता हुआ नाम था उस वक्त, और एक साथ नाम बहुत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था ना, तो ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या वजह रही कि एक साथ आपको डाउनफॉल? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए राजनीति में कोई डाउनफॉल और ये नहीं होता। इसमें तो है कि ठीक है किसी का जैकपॉट लग जाए, किस्मत में क्या होते हैं, सितारे बुलंद होते हैं। हमारा काम तो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करना है और वो मैं लगातार कर रही हूँ। हाँ, कोरोना काल में थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यू हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक हुई तो फिर मैंने दोबारा से अपनी पार्टी में अपने कामों को गति दी और लगातार सक्रिय हूँ। ये सब आप देख ही रहे होंगे, मेरे फेसबुक से आप देख सकते हैं कि मैं कितनी सक्रिय रहती हूँ। और मैं अगर बस ये चाहती हूँ कि जैसे चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन मैं लोगों के दिलों को जीतना चाहती हूँ। पार्टी आप पर भरोसा जताती है, तो किस तरह से काम आपकी रणनीति रहेगी, और आपके आपने क्या इमेज तैयार की है कि अगर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया तो आप काम करें? बिल्कुल, देखिए ये तो अभी संभावना ही है, अभी तो डिसीजन अभी आना समय है है, ना, समय है। किसी के लिए समय। हाँ, लेकिन जो एक माइंड में पिक्चर है, क्योंकि जब हम अपने किसी भी शहर में, आप भी बहुत जाते हैं, आप सब रूबरू हैं यहाँ की क्या हमारी समस्याएं हैं। बहुत सुधार हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की अभी जरूरत भी है और तेजी से काम करने की। कई बार ऐसा होता है कि ये सब टीम वर्क होता है, एक व्यक्ति तो काम करता नहीं है, कुछ पब्लिक की भी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ सरकार की भी होती हैं। तो हम सब मिलके, मैं ये चाहूंगी कि जब अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं सबके सहयोग से इस मुरादाबाद की तस्वीर को बदलना चाहूंगी। जिस क्षेत्र में आप रह रही हैं उस क्षेत्र, वो एक भाजपा का गढ़ माना जाता है, और विधानसभा इलेक्शन में देखा कि कहीं ना कहीं एक बिखराव नजर आया, तो क्या इस बार ऐसा ऐसी कोई स्थिति है, या उसको सामंजस्य बनाने के लिए आपने भी कोई खास रणनीति तैयार? हाँ, लाइनवाड़ क्षेत्र का तो आपको सभी पता है, विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, यहाँ से जीत सुनिश्चित होती है हर प्रत्याशी की। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब संगठित हैं और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई समस्या है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि मैं तो गौरवान्वित हूँ भाजपा की सक्रिय सदस्य बनकर, इसमें काम करके। और मैंने बहुत सी बहनों को इसमें जोड़ा जब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, और आज वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और सबको सम्मान मिलता है, मेरी पार्टी बहुत सम्मान देती है। मैं नहीं समझती कि किसी भी पार्टी में किसी भी महिला को इतना सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो ये थी हमारे साथ में अंजू लोचप जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना होगा कि जो पार्टी क्या निर्णय लेती है, ये अभी देखने वाला वक्त होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।